हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। और आपको पता ही होगा ट्रिगोनोमेट्री कितनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, एनडीए हो इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो मेजर टॉपिक है वह इस प्रकार है। पहला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कन्वर्जन ऑफ रेडियन एंड डिग्री, और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये फाइव मेजर टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आता है। और हम हर एक 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 को हम लोग डिटेल से, बेसिक से, आराम से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखिए, अब हम बात करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ते क्यों हैं, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से आप किसी भी टावर, माउंटेन और बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, माउंटेन या बिल्डिंग, किसी भी माउंटेन या बिल्डिंग या टावर का हाइट आप फाइंड कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। और दूसरा इसका यूज है टू फाइंड पीरियड ऑफ साउंड, यानी साउंड का पीरियड फाइंड कर सकते हैं, लाइट का पीरियड फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी फंक्शन का पीरियड आप फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन जो होता है वो तीन प्रकार के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, और तीसरा होता है आपका टेन। ये तीन मेन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। और इन्हीं से आगे की जो नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो इन्हीं से बनता है। देखते हैं कैसे। साइन को अगर जो हम अपोजिट लिखते हैं तो ये हो जाता है कॉसेक, और इसको अगर 1/साइन लिखेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक। कॉस का अगर जो अपोजिट लिखेंगे तो ये हो जाता है सेक, और 1/कॉस इक्वल टू हो जाएगा आपको सेक। टेन का होता है कॉट, और 1/10 इक्वल टू होता है आपको कॉट। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि 1/साइन इक्वल टू क्या होता है, सेक होता है या कॉसेक होता है। अब 1/कॉस इक्वल टू क्या होता है, सेक होता है या कॉसेक होता है। इसको आप थोड़ा सा एक माइंड में रख सकते हैं। माइंड में रखने वाली बात यह है कि कॉस, कॉस का लास्ट डिजिट क्या होता है, एस होता है। तो 1/कॉसेक का इक्वल टू सेक होगा, क्योंकि इसका जो सेक का जो स्टार्टिंग होता है ना वो एस से होता है। तो कॉस का लास्ट डिजिट और इसका सेक का फर्स्ट डिजिट है। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं, मतलब माइंड में रख सकते हैं, और कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। साइन का स्टार्टिंग एस से होता है और कॉसेक का मिडिल टर्म एस है, मिडिल डिजिट एस है। तो इस तरह से आप ये दोनों को माइंड में रख सकते हैं, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होता है। नहीं, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि 1/साइन एक्स बराबर सेक होगा या कॉसेक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू। वैल्यू फाइंड करते हैं किसका, साइन का, कॉस का और टेन का। तो ये ट्रिगोमेट्रिक, ये तीनों ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। ये सबसे पहले हम एक बेस ले लिए, इस पे 90 डिग्री से 90 डिग्री एंगल पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, इसका नाम हम दे दिए ए बी सी। ठीक है, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से अब हम फाइंड करते हैं साइन। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल बी हो गया। तो साइन ए का वैल्यू फाइंड हम करते हैं। तो
हाँ ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना होता है तो ये होता है पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस बाय बेस, सॉरी ये हाइपोटेनस ये डिस्टेंस। इसको अगर जो मैग्नीट्यूड बाय लिखें तो बी सी बाय ए सी, ये जो डिस्टेंस होगा डिवाइड बाय ये डिस्टेंस है, तो आपका साइन ए का वैल्यू निकल जाएगा। मान लेते हैं कि डिस्टेंस 5 दिया हुआ है और ये डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5/10 इक्वल टू 1.5, तो ये साइन ए का वैल्यू आपका हो गया। फिर देखते हैं कॉस ए इक्वल टू होता है बी बाय एच, यानी बी ये आपका बेस हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस, ए बी बाय ए सी। उसी प्रकार देखते हैं टेन, टेन ए इक्वल टू होता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका ये हो गया बाय बेस, तो ये हो जाएगा आपका बी सी बाय ए बी। ये टेन ए का वैल्यू हो गया, कॉस ए का, साइन ए का। इसको लिखते हैं जैसे साइन ए का जब हम वैल्यू लिख रहे हैं तो ये एंगल है, साइन एंगल ये है, तो इसके जो जस्ट सामने ये पी है, पी लिखे परपेंडिकुलर लिखे, और ये एंगल बी एंगल का जस्ट सामने एच, तो ये हो गया एच। साइन ए का वैल्यू क्या होगा, पाई पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी प्रकार जिस भी एंगल का आप वैल्यू ले रहे हैं साइन में, उसका फ्रंट, उसके सामने वाला भुजा और उसके फिर इसके सामने वाला भुजा, इसी तरह से हम लोग साइन ए कॉस ए टेन ए का वैल्यू निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट थ्री ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू देखते हैं, जैसे कि सेके का वैल्यू क्या होगा, इसका सेके क्या होता है 1/sin a, यानी 1/sin a का, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, सेके इक्वल हो जाएगा साइन ए का अपोजिट, यानी साइन ए का जो वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, सेके का वैल्यू। जैसे साइन ए का क्या है पी बाई एच है, तो इसका हो जाएगा एच बाई पी। उसी प्रकार हो जाएगा सेक, सॉरी कॉसेक था, कॉसेक है, उसी प्रकार सेक ए हो जाएगा, सेक ए किसका अपोजिट है, कॉसेक का अपोजिट होगा, तो कॉसेक का वैल्यू क्या है बी बाय एच, तो ये हो जाएगा सेक ए हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, उसी प्रकार टेन, टेन ए का, टेन ए का, टेन ए किसका अपोजिट होगा, कॉट का, सॉरी कॉट ए, कॉट ए किसका अपोजिट होगा, टेन का, टेन का क्या है पी बाय बी, तो ये हो जाएगा बी बाय पी। यानी साइन ए का अपोजिट होगा कॉसे के, कॉसे का अपोजिट होगा से के, कॉट का अपोजिट होगा टेन है। अब हम लोग देखते हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है, इसको प्रूव करते हैं कैसे 1 होता है। ठीक है, साइन ए रहने दिए, साइन ए, और आपको हम बताया कि कॉस ए के को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं, तो ये कट गया इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अरे अगर जो हम इससे बात करते हैं भुजा के, तो भुजा के अनुसार भी होता है साइन ए इक्वल टू होता है, साइन ए इक्वल टू हो गया आपका क्या पी बाई एच, सेक कॉस, सॉरी कॉसेक, कॉस इक्वल टू हो गया आपका एच बाई पी, पी बाई एच इंटू एच बाई पी, ये क्या 1 हो गया, यहाँ से आपका प्रूफ हो गया। तो ये जो आइडेंटिटी फॉर्मूला है ये आपका प्रूफ हो गया। फिर दूसरा नंबर पे आता है कॉस ए इंटू से के इक्वल टू 1, ये भी उसी तरह से प्रूफ होगा, कॉस ए इंटू 1/cos a इक्वल टू 1। ठीक है, फिर थर्ड पे है टेन,
टेन ए इंटू कॉट ए, ये भी उसी तरह से होगा, टेन ए रहने दिए, उसके वन बाई टेन ए को कॉट ए को फिर वन बाई टेन ए से कर दिए, इक्वल टू वन हो गया। इसके चाहे तो आप वैल्यू भी पुट करके देखेंगे वन ही आएगा। तो ये तीन फार्मूला आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।